लेक की तरफ जा रहे हैं। डल लेक का ही हिस्सा समझा जाता है एक तरीके से नगीन लेक को, बट आइडेंटिफाई इसको सेपरेटली भी करते हैं, तो एक तरीके से जुड़ी हुई है बट फिर भी है सर। कश्मीर में डल लेक से कई ज्यादा शांत, कई साफ और कई लेसर नोन नगीन लेक में एक लग्जरी हाउस बोट की टूर पे अपनी बीवी और आपको साथ ले जाने की तैयारी में। सड़क पे लोकल कश्मीरियों का कलेश सुलटाता मैं ट्रैवलिंग देसी ठंडक कराना पड़ता है लोगों को, जाते जाते भी बड़ा आदमी का हम यहाँ से निकले थे। मैंने मैडम को कहा हाउस बोट तो शुरू भी हो गई, कहती कहाँ, दिस इज हाउस बोट या लग ही नहीं रहा था, ऐसा लगा था किसने छप्पड़ लगा रखा है साथ में अपना जमीन बना के। बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह आने शुरू हो गए हैं क्योंकि नगीन में कहते हैं कि थोड़ी अप मार्केट या लग्जरी टाइप की जो है ना हाउस बोट है, और डल लेक के अंदर ऑलमोस्ट हर रेंज की मिल जाती है। थोड़ा सा आप लगा लो एक्सक्लूसिव अप मार्केट होगा, बट जाके ही पता लगेगा कैसी है। वो हमारा शिकारा लग रहा है, पैसा लगा रहे हैं। नगीन लेक आपको दिख रही है थोड़ी सी छोटी है डल लेक के मुकाबले, थोड़ी एक्चुअली काफी छोटी है, मगर फाइनली जी हमारा शिकारा लगने लगा है क्योंकि मिस में व्यू सामने बड़ा जबरदस्त है। वैसे तो हम रोड से भी आ सकते थे पर मैं थोड़ा सा गड्ढा बन जाएगा ना उस कोने से इस कोने में, बढ़िया मजी कैमरे शैमरे तैयार हो गए और हम इंट्रो शॉट की वेट कर रहे हैं। अभी तक दरवाज़ा खोला नहीं क्योंकि जब सैंड्रा करेगी तो फिर उसका भी फील रिकॉर्ड होनी चाहिए। बट डल लेक के मुकाबले इट्स अ लॉट क्वाइटर एंड पीसफुल, मतलब क्लोजर टू नेचर है वो से, राइट? आई लव इट। ओह वाव। Weeks ago today, you were just because you see the carving on walls, yeah. Ceiling, in fact, the furniture, carpets, they're all handmade from Kashmir. Okay. And we need masters to do such intricate work. Well, I had to guess, so think you're over. Let me know, girl, cause you and I be easier as us. Don't need three words, just one could sum us up. We're a couple of pins. When we touch, you and I be easier as us. और इस पूरी तरह लक्कड़ की बनी हाउस बोट के रूम्स में सबसे बेसिक वाले की शुरुआत होती है अराउंड 10,000 रुपए पर नाइट से। बोर्ड के जब मैं चक्कर लगा रहा था तो हमें पता लगा कि इसके अंदर कितनी एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं जिनको बनने में चार चार पाँच पाँच साल लग जाते हैं, मगर ये सारी अरेंजमेंट जो आप देखेंगे वीडियो के अंदर अरेंजमेंट करवाई है हमारे सुहेल भाई ने। थैंक यू सो वेरी मच सुहेल भाई। और मैंने सबसे पहले मैंने कहा हाउस बोट हमें मिल ही नहीं रही थी सर, मिल ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है पीक सीजन के अंदर। हमने बड़ी कोशिश करी और मेरे को ये लग रहा था कि ये भी शायद माजरत ही कर लेंगे कि भाई नहीं है अवेलेबल, बट इन्होंने कहा हम कुछ भी करके रिक्वेस्ट करके कैसे अरेंजमेंट करवा देते हैं। हो गया, हाँ हो गया। थैंक यू सो वेरी मच यार, मीन्स अ लॉट। और बाकी आपका जो अनुने की रील थी 10 मिलियन वाली, यहीं शूट हुई है ना? यहीं पे शूट हुई, इसी में ही, इसी में। ओके, मेरी भी और एक रील है वो यहीं पे शूट हुई है उसकी। आपका इंस्टाग्राम बड़ा गदर है मगर आप इंस्टाग्राम पे खुद नहीं आते, मैंने देखा है आपकी वीडियोज और जबरदस्त कलाकारी। 19 मिलियन अराउंड, 19 मिलियन, 19 मिलियन यहीं पे, इसी जगह पे। ठीक है यार, फिर आधे पौने मिलियन वाली हमारी उन लोगों को।
सुहेल भाई के भाई साहब भी आ गए, तो इन्होंने हमें बड़ी मजेदार बातें बतानी शुरू करी। मैंने कहा तो कैमरे बताने वाली चीज है, बैठो। पहले तो ये बताओ कि यहाँ पे लिमिट रहती है हाउस बोट की, लाइसेंस है और अभी जितने उतने ही रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकती। तो एक्चुअली दिस इज द लेटेस्ट हाउस, हिंदी हिंदी पारी साडा हिंदी चैनल है। ये जो हाउस बोट है ये बहुत नई है। अच्छा, दिस वाज ये 2021 में बनी है। अच्छा, एक्चुअली हमारे पास 3 हाउस बोट जो फायर इंसिडेंट के शिकार हो गए। अच्छा, सो देन वी गॉट, हमारे परमिशन मिली 3 हाउस बोट्स की। ओके, सो एक्चुअली ये क्यों बैन है, बिकॉज ऑफ द वुड। अच्छा, द वुड इज वेरी रेयर, known as deodar, or in English we say cedar wood. Okay. So जो ये wood होता है, it needs almost हमें 2-3 साल 200-300 साल पुराना ये चाहिए, क्योंकि ये जितना मोटा रहता है पेड़, उतना अच्छा हम house wood बना सकते हैं। And इसकी क्या खासियत है, it has a natural fragrance. हाँ, ये तो अंदर आगे मेरे को थोड़ा लगा, अगर अंदर जाएंगे तो इसमें एक natural fragrance है, और ये बहुत rare है, that's why ये ban हुआ है। ये एम्बियंस ही आती है, ये तो 3-4 खुशबू, एक तो ये जो इनके कारपेट की भी एक अलग सी फ्रेग्रेंस होती है, एक फिर कावा की साथ में जो है उसमें गुलकंद वाली भी आ गई। मेरे को बता रहे हैं जो कावा है वो 2 शब्दों से मिलके बना है, का और वा। का यानी 11 और वा यानी इंग्रेडिएंट, यानी कि 11 चीजों से मिलके। अभी जो आपने हमें पिलाई थी वो 7 इंग्रेडिएंट वाली है, वो ट्रेडिशनल कावा होता है जो 11 चीजों से 11 वाला होता है, मगर ये बहुत बढ़िया था कि चीनी नहीं थी, जो हमने पहले भी सुना ढेर चीनी भरी हुई थी, इसमें एटलीस्ट ओरिजिनल टेस्ट आता। तो इन सारी चीजों के फ्रेग्रेंस मिलके एक अलग ही वाइब है, जो मैं ऑब्वियसली आपको महसूस नहीं करा सकता, क्योंकि तो महसूस करने वाली चीज है, मगर दिखाने में तो जो आप ये लगा लीजिए, जो लकड़ का काम है ना, सर कह रहे हैं कि पूरी बोट के अंदर सिवाय लाइटों को छोड़ के और एक क्या चीज, और इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन गद्दियों को छोड़ के हर चीज हैंडमेड है, चाहे वो हैंडकार्व्ड हैंडमेड, चाहे वो साला आपका वो सोफा हो, चाहे बेड हो, चाहे टेबल हो, पर्दे हो, पर्दे भी चादरें भी, हर चीज कमाल की है, वाकई माननी पड़ेगी। और आर्ग्यूबली कश्मीर की सबसे खूबसूरत और बेस्ट मेड बोट्स में से एक है, बिसाइड नई भी है, तो इसलिए उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसका चैलेंज होता है ये फ्लोट करती है, इसमें बहुत हैवी सामान नहीं आ सकता, तो यानी इसके अंदर आपको डालना है लाइट, तो जकूजी भी प्लास्टिक वाला होना चाहिए, तो ऐसी इन चीज़ों का भी खास ध्यान रखना पड़ता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े। तो नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इसको इतना ब्यूटिफुल और बना दिया, तो इट्स लाइक अ परफेक्ट मिक्सचर ऑफ न्यू एंड ओल्ड एंड ट्रेडिशनल एट द सेम टाइम, आउटस्टैंडिंग। बाकी से आपने रेगुलर चाय मंगवाई है? कॉफी या ये? I like tea. अच्छा, ओके, क्या बात है, टी कॉफी पर्सन, टी कॉफी पर्सन। मैं ना टी पीता हूँ ना कॉफी पीता हूँ, मगर कावा पी के मेरे को कावे का स्वाद आ गया, क्योंकि इसके अंदर पता नहीं कुछ अजीब सा रोज पटल वगैरह होता है। बाकी सर ने कहा कि भी इतने बढ़िया मौसम में बैठे हैं, बढ़िया नज़ारा पर थोड़े अब पकौड़े चलेंगे चाय के साथ। It smells good. तो प्यास के पकौड़े लग रहे हैं भाई। वाओ, 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 ट्राई विद केचप? नो, विदाउट केचप। ओके। हम बैठ गए जी बस डाइनिंग टेबल पे, इसका लुत्फ उठाने के लिए कि थोड़ा थोड़ा सारा खाना खा लें। हमें तो फिलहाल मंगवा लिया है, मगर रात को जो अंकल जी है ना यहाँ पे, बड़े स्पेशल, मतलब कहते हैं कुक भी है, केयर टेकर भी है, और ज़बरदस्त गाइड भी हैं, वो कह रहे हैं वो हाथ से बना के कश्मीरी खिलाएंगे आपको, तो उसका स्वाद तो अलग ही आने वाला है, बट फिलहाल जो हमने मंगाया है वो अच्छा करेंगे। अंकल कह रहे हैं कि सैंड्रा से यहाँ बैठे मैडम डायरेक्टर चेयर पे, चलो 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 चलो। नो नो नो, यू ही सेड दैट You have to obey the gentleman. भाई साहब ने मेरे को बात बताई बड़ी जबरदस्त, मैंने कहा आप कैमरे पे बता दो, बताते नहीं है, तो जो मैंने मेरे को बताया मैं बताता हूँ। ये कहते हैं कि कश्मीर में लोग जो हैं रोटी कम खाते हैं, चावल ज्यादा खाते हैं, चावल ज्यादा खाते हैं। उन्होंने मेरे को किस्सा बताया, कहते हैं कि जी एक मैडम गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा कि आप ना लंच में रोटी खाया करो, तो मैडम पूछती है कि भाई चावल के पहले या चावल के बाद, तो इसलिए यहाँ चावल बड़ा पॉपुलर है। बट आप बताते कि ब्रेकफास्ट में फिर भी कोई किसी एक टाइप की कश्मीरी ब्रेड हाँ, चलती है ना ब्रेकफास्ट पे, यहाँ पे गिरदा और लवासा, गिरदा और लवासा हाँ। अच्छा, और ये वैसे आटे की होती है? मैदे और आटे। Oh, wow. Beautiful. Oh my goodness, it's a good dream. Absolutely.
और अगर आप चहल पहल से दूर शांति और सीनिक ब्यूटी एंजॉय करना चाहते हैं तो दिस इज निगीन लेक फॉर यू। और हमारा ये लेक व्यू सूट एक रात के लिए पड़ता है अराउंड 25,000 रुपए में। ऊपर अब हम आए हैं तो भाई मौसम जो है ना एकदम ही चेंज हो गया, और मेरे को उन्होंने कहा कि 10 बार जो है ना ये पहाड़ रंग बदलते हैं दिन में, कि कहाँ से शेड आ रही है, पीछे से सूरज है, उधर है, इधर है। मेंटेनेंस जो उन्होंने मेरे को बताई है ना कि किसकी कैसे होती है और लागत कि कितने की पड़ती है एक ऐसी हाउस बोट बनानी बिना वगैरह फर्नीचर के, वो सुन के थोड़े से मेरे को भी चक्कर आ गए। अभी करते हैं आगे आपसे शेयर। अभी हमने थोड़े अपने सिनेमेटिक शॉट वगैरह बनवा लिए, मैडम कह रही है मैं हूँ पै रही हूँ एडिटिंग, थल्ले बन रहा साढ़ा खाना, उसके बाद खाएंगे वो भी, फिर इंग्लिश वीडियो के लिए जो है सारा शूट किया जाएगा। आपको भी कहानी मैं सारी साथ के साथ दिखाता जाऊंगा, मगर जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है भाई सब ये जो व्यू है ना कि आप अपने बेड में बैठे हो सामने शिकारे चल रहे हैं, बेस्ट ऑफ कश्मीर आई वुड से, बेस्ट ऑफ कश्मीर। यहाँ पे भाई सब चचा हैं जो 48 साल से इनके साथ ही काम कर रहे हैं, कहते हैं कि सुहेल के पापा को भी वो लेके जाया करते थे स्कूल अपनी गोदी में उठा के, और उन्होंने जो है सारा अपने हाथ से कश्मीरी खाना बनाया हमें खिलाया। दाल का तो ऐसा फ्लेवर कि क्या कहूँ, जी भी आलू मटर की सब्जी भी, और उसके बाद फिर आप आ जाओ रोगन जोश पे जो कि ऐसा बना हुआ था जैसे कि आप ये लगा दो रेस्टोरेंट में तेल भी डाल देते हैं कलर भी डाल देते हैं उसका भी कुछ नहीं। और फिर उन्होंने खिलाया हमें यहाँ का जो यखनी स्टाइल कोरमा होता है, धनिया और लेमन था उसके अंदर, वाइट ग्रेवी, भाई सब मजा आ गया। जैसे काली मिर्च वाला होता है ना उसको थोड़ा सा खट्टा कर दो और घर का कर दो रेस्टोरेंट की क्रीमी की जगह। अमेजिंग फूड, अमेजिंग फ्लेवर, स्वाद ही आ गया। इतने दिनों बाद घर का इतना अच्छा बना हुआ खाना खाया हमने। भाजी रात को तो यहाँ वाइब भी चेंज हो गई है, ऊपर देवदार है, नीचे सारा का सारा फर्नीचर जो है वो वॉलनट में, फिर लाइटों का जो ये रंग है ना ये जो ओवरऑल वाइब और एम्बियंस क्रिएट करता है ऐसा लग रहा है स्विस शाले टाइप कॉटेज में आ गए। बस डिज़ाइन जो है ना वो सारे इंडियन है, मज़े ही आ गए। गुड नाइट चाचा, गुड नाइट, थैंक यू, सी यू मॉर्निंग। अब जी बजे सुबह के 6:30 बजे, हमने फटाफट आगे गद्दे गुद्दे सेट कर दिए क्योंकि रात को बारिश हुई थी, उन्होंने क्लियर किया था, और मैडम की बस थोड़ी सी रील्स बनाने का टाइम है क्योंकि यहाँ से सनराइज हो रहा है ना पीछे, तो इसको दिखाना अच्छे से बड़ा जरूरी था। रात इसमें काटने के बाद हमें लगा था ये हिलती होगी रात को, मगर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हमें पता लगा कि इसको ना बड़ा सॉलिड नीचे बांध के रखते हैं ताकि इसके अंदर शेक वगैरह कम आए रात के टाइम पे। और सोना वाज अमेजिंग क्योंकि जब आप सुबह उठते हो और उठ के जो ये मॉर्निंग वाली बात है ना पर्टिकुलरली यहाँ से सामने देख के जब सूरज उग ही रहा होता है और जस्ट इन केस आप क्यूरियस हो तो इस लेवल की हाउस बोट बनाने की लागत तकरीबन 4-8 करोड़ रुपए के बीच में हो सकती है डिपेंडिंग कि वो कितनी टेस्टफुल हो। मकबूल चाचा के बेटे जो हैं ये भी ऑर्नामेंट्स देते हैं और इनको हमने आते ही अभी ये दिखाया, ये कहते हैं किस चांदी है, कहते हैं नहीं तो और अलग ही तरह का कुछ बाहर का सामान है। शिकारे में चलते चलते होता है वो उनको पता है इसमें कोई नहीं पकड़ेगा, पकड़ेगा ये नहीं बात है तो वो जो भी मुंह में आता है तो बोलते हैं तो वो कस्टमर को मतलब अलग ही तौर पे नजरिया करते हैं। चलो जो भी है आप कहने का मतलब है इसकी वैल्यू उन्होंने बताई है मैक्सिमम 1500 रुपए, जिसके हम 4500 इस लेवल की हाउस बोट बनाने की लागत तकरीबन 4-8 करोड़ रुपए के बीच में हो सकती है डिपेंडिंग कितनी ये सर बता रहे हैं कि यही सेम यही चीज है ना, इसके ऊपर लिखा तो है 92% सिल्वर, बट ये चांदी है नहीं असल में। तो आपको असली चांदी वाली चीज दिखाऊं, दोनों में फर्क तो नजर आया ना क्या है? हाँ, मैं दिखाऊंगा आपको असली वाली चांदी, पता तो लगे कि अगली बार कैसे ठगी से बचने।
असली वाले चांदी। अच्छा, दिस इज रियल सिल्वर। अब जी एक ही तरीका है बताने का कि असली है कि नहीं। भैया कहते हैं ये जो आपने लिया ना, इसको हल्का सा ब्लेड मार के देखो, सारी पॉलिश उतर जाएगी। एक्चुअली ये पॉलिश ही लग रही है, चाहे स्टैंप लगी भी हो तो भी, मगर असली वाले के ऊपर से उतारोगे तो असली वाला तो क्या, अंदर तक पूरी चांदी है। बस ये हमारा निकलने का टाइम आ गया, मगर क्या कमाल की बोट यहाँ पे आप लगा लो। कारपेट जो है डाइनिंग टेबल के नीचे लगा हुआ, 100 साल पुराना डाइनिंग टेबल, कम से कम 5-7 लाख उसकी कीमत होगी, सिर्फ इसलिए कि उसकी जो वो है ना कार्विंग्स, जैसे कि ये वाली, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, सारी देवदार की लकड़, वॉलनट के सारा का सारा फर्नीचर, मतलब ये भी चीज़ कितनी ज़बरदस्त है। अगर आप मैं ये दिखाऊँ, ये टेबल है, ये ऐसे बन गया, ये मैंने यूरोप के महलों में देखे हैं पुराने इस टाइप के, वो लकड़ के एकदम बढ़िया। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कार्विंग वगैरह कैसी पड़ी। तो ये ओवरऑल वाइब है लग्जरी की, कल्चर की, हर चीज़ जो है हैंडमेड है, फिर वो चाहिए पर्दे ही क्यों ना हो। तो इनकी जो एक वो है ना नाइसनेस, वो इसके अंदर एक एलिमेंट ऐड करती है। फिर उसके बाद व्यूज़ तो आपने पहले ही देख लिया है कि भाई बालकनी से कैसे होते हैं। अब अपन निकलने का टाइम आ गया, आशा करता हूँ आपको वीडियो ठीक ठाक लगी हो, लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा प्रॉपर, तो इसकी हमारे इंग्लिश चैनल पर आएगी। चैनल के सपोर्टर हमारे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाते जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर